और इस वक्त एक बड़ी खबर मिल रही है समीर वानखेड़े से। एनसीबी की विजिलेंस टीम ने पूछताछ की है और ये पूछताछ 4 घंटे तक चली है। समीर वानखेड़े से विजिलेंस की टीम ने जो पूछताछ की है और ये एनसीबी की ही विजिलेंस टीम ने पूछताछ की है, 4 घंटे तक ये पूछताछ चली है। संवाददाता प्रमोद शर्मा हमारे से जुड़ गए। प्रमोद, 4 घंटे की पूछताछ में किन किन सवालों का सामना किया समीर ने? ठीक है, बिल्कुल। दिल्ली से आई विजिलेंस टीम की के जो हेड हैं ज्ञानेश्वर, उन्होंने खुद जो है समीर वानखेड़े से पूछताछ की है। तमाम जो डॉक्यूमेंट थे उन्हें पहले एनालाइज कर लिया गया था और उनसे पूछा गया है कि जब आपको टिप ऑफ मिला था इस रेव पार्टी के बारे में तो आपने किस तरीके से जो है पूरा ऑपरेशन को अंजाम दिया, किस किस को प्राइवेट विटनेस बनाया गया और कितने लोगों को अपनी टीम में शामिल किया गया था, और जब आपने रेड्स कर दी थी तो वहाँ कितने लोग थे, क्या जो NDPS मैनुअल है उसको उसके हिसाब से आपने क्या क्या कार्रवाई की, किन किन लोगों से संपर्क किया, और एक तरीके से पूरे जो प्रोसीजर के बारे में जानना चाहा कि जो इंडिपेंडेंट विटनेस होते हैं, जो प्राइवेट विटनेस होते हैं, उनके सामने सीजर किया गया तो सीजर करने के बाद ऐसी क्या जरूरत थी कि आपके पास जो अधिकारी कम थे या फिर वो सेल्फी ले रहे हैं या उनकी फोन पे बात करा रहे हैं, अगर कस्टडी में ये लोग आ गए हैं तो फिर प्राइवेट विटनेस का वहां पे क्या रोल था, तो इन चीजों को लेकर सवाल किए गए और कि आखिर ये जो आपका प्राइवेट विटनेस था जिसको आपने विटनेस बनाया था आखिर वो अब आपके ऊपर एलिगेशन क्यों लगा रहा है, पूरे एनसीबी के जो ऑफिशियल्स हैं उनके ऊपर जिस तरीके का बड़ा एलिगेशन। ठीक है प्रमोद, बड़ी जानकारी आपने दी है। प्रमोद आप नजर बनाए रखें, अपडेट्स के लिए आएंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। समीर वानखेड़े से विजिलेंस की टीम ने, एनसीबी की विजिलेंस की टीम ने 4 घंटे तक पूछताछ की है और बहुत से सवालों का सामना समीर वानखेड़े ने किया। अवेलेबल ऑन Google Play एंड App Store। डाउनलोड इट नाउ।